اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ویورز یو آر واچنگ ندیم شوکر ٹی وی تھینکس فار واچنگ مائی چینل اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز سبسکرائب اٹ اینڈ پریس دا بیل آئیکن بٹن فار نیو اپڈیٹس اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیوز پلیز کمنٹ لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز جزاک اللہ Viewers, today I will discuss how to write a synopsis. Inshallah, after this video, you will able to comprehend what is synopsis, what are the major components of synopsis, what should be the length of synopsis. Synopsis. Basically, जो भी आप research करने जा रहे हैं उसकी ब्रीफ समरी को साइनोप्सिस कहते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ साइनोप्सिस. फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइनोप्सिस विच शुड बी इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ अ गुड साइनोप्सिस. दीज आर टॉपिक, टाइटल ऑफ रिसर्च, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, statement of the problem, significance of the study, objective of research, hypothesis, research method and approaches, limitations, bibliography. Topic, title of research. किसी भी research और thesis के लिए topic बहुत ज्यादा important और मायने रखता है. टॉपिक हमेशा हुक स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए जो कि आई कैचिंग, स्पेसिफिक हो, क्यूरियस हो और अटेंशन ग्रैबिंग हो, जो कि अदर पर्सन की अटेंशन को ग्रैब करे. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे सेंड किए हुए, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उसको भी एक दफ़ा देख लें, वो इंशाल्लाह आपको टॉपिक फाइंड आउट में हेल्प करेगा. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड के ऊपर, क्या मतलब आप रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं, उसकी रीजंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उस ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन के अंदर डाल देते हैं. उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन में मैंशन करते हैं. रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ साइनोप्सिस. कोई भी जब भी आप कोई भी स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली उसको अच्छी तरह पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है. इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी रिसर्च जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ें कवर हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें अनकवर हैं. और जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका मकसद होता है या तो हम कोई चीज़ नई उसमें से डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, या उसको रिवाइज करते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू इस सेंस में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है. स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. लिटरेचर रिव्यू कर लिया, इससे हमें पता चल गया कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस पर ऑलरेडी कितनी रिसर्चर्स हो चुकी हैं और उन रिसर्चर्स में कौन कौन सी चीजें एक्सप्लोर हो चुकी हैं और कौन कौन सी अनएक्सप्लोर्ड हैं. जो अनएक्सप्लोर्ड होंगी वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगा. इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ साइनोप्सिस. सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी. अब जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं हम इसमें बताएंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमने वो टॉपिक क्यों चूज किया है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और सोसाइटी को इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सब कुछ हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज में मेंशन करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. ऑब्जेक्टिव में रिसर्चर बताता है कि इस जो रिसर्च मैं करने जा रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है, वो क्या करना चाहता है बेसिकली, वो सारी चीज़ें वो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में मेंशन करेगा. हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बेसिकली टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. जब वो रिसर्च प्लान करता है तो वो एक अजम्पशन कर लेता है कि आया कि इसका इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ या तो कोई रिलेशन है,
correlational study hogi ya comparative study hogi ya different kind of researchers mein different studies ko hum padhte hain. To ye basically ek tentative solution hota hai problem ka. It can either be accepted or it can either be rejected after the research process. Research method and approaches. Research method mein tamam cheeze aa jayengi, uska study design, wo kis setting mein karni hai research humne, uski durations kitna hoga, uska sample size kitna hoga, usme hum kon kon si sampling techniques istemal kar rahe hain, hum probability sampling istemal kar rahe hain, non probability sampling istemal kar rahe hain, jo bhi technique hum use karenge wo mention karni hoti hai, uska sample selection ka criteria kya hai, uska inclusive criteria kya hai, uska exclusive criteria hai, wo tamam cheeze bhi mention karte hain. Aur usme humne data collection ke liye kaun sa tool kiya hai, primary data collection use kiya hai ya secondary data collection use kiya hai. Primary data wo hota hai jo ki aapke paas raw data hota hai, first hand data hota hai, jo ki aap direct observation se lete hain, questionnaire se lete hain, ya फर्स्ट फेस टू फेस इंटरेक्शंस या आपकी नेचुरल ऑब्जर्वेशन में जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो आपका प्राइमरी डाटा होता है. सेकेंडरी डाटा वो होता है जो किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से गुजरा हो, यानी जो आपकी पब्लिकेशंस हो, जर्नल से लिया हो, बुक से लिया होगा, तो वो आपके पास सेकेंडरी डाटा होगा. एक्सक्यूज मी. उसके बाद डाटा एनालिसिस आ जाता है. डाटा एनालिसिस में क्या आता है कि आप उसमें मेंशन करते हैं कि आप डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, लाइक SPSS, SPM और जो वट एवर जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें आपने मेंशन कर देना है कि इस रिसर्च को एनालाइज करने के लिए मैंने ये टूल यूज़ किया है, ये मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है डाटा एनालिसिस के लिए. लिमिटेशंस में आपने ये बताना होता है कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारी बाउंड्रीज के अंदर हैं और कौन कौन सी हमारी बाउंड्रीज के बियॉन्ड है. तो आपने रिसर्च को बेसिकली लिमिटाइज कर दिया, उसको नैरो कर दिया, एक स्पेसिफिक कर दिया कि इन चीज़ों पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, ये चीज़ें हमारे टॉपिक के अंदर हैं और ये टॉपिक के अंदर नहीं है, यानी ये हमारी एक्सक्लूसिव है, बियॉन्ड द रिसर्च है. बिब्लियोग्राफी. एट द एंड ऑफ साइनोप्सिस यू रोट बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी में आप रेफरेंसेस वगैरह दे देते हैं, एक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस जो कि आपने लिटरेचर व्यू से पढ़ा होता है, उसमें कुछ आपके पास बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें रेफरेंस के तौर पे आपने एंड पे दे देनी होती है बिब्लियोग्राफी के अंदर. लेंथ ऑफ साइनोप्सिस. लेंथ ऑफ साइनोप्सिस जो होती है वो बेसिकली वेरी करती है. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन एन ओवरऑल लेंथ फॉर अ साइनोप्सिस फॉर MSc, MPhil, PhD. इट कैन बी वेरी फॉर MSc थीसिस, MPhil थीसिस और PhD साइनोप्सिस. इट कैन बी डिफरेंट. वेर एज इट शुड बी कंसाइज एज फॉर एज पॉसिबल एंड अवॉइड रिपीटेशंस. द टोटल लेंथ ऑफ ए साइनोप्सिस मे रन फ्रॉम 1500 वर्ड्स अबाउट 4 A4 साइज पेजेस इज सफिशेंट. मैक्सिमम आपके पास 1500 अल्फाज का या 4 से 5 पेजेस का जो होगा वह साइनोप्सिस सफिशेंट होता है MPhil थीसिस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपका बहुत शुक्रिया. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें.